गंगा जमुना में मजदूर वर्ग एकता बद्ध होकर के उखाड़ फेंकेगा, ये हड़ताल का कॉल है। इस हड़ताल को इस दिशा में हमको ले जाना है, ये हमारी लड़ाई है। नाम बताइए अपना। धीरेंद्र झा, भाकपा माले पोलिट ब्यूरो के सदस्य, अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव। की अंबानी अडानी परस्ती करने वाले किसान विरोधी मोदी सरकार को मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में किसानों ने सबक सिखाने का काम किया है। 2019 में बेरोजगारी लाने वाला, नोटबंदी जैसा पेट काटने वाला कानून लाने वाला, जीएसटी जैसा उसको हम नहीं चलने देंगे। जितना ठेका नियोजन मानदेय पर 50 लाख से ज्यादा कर्मी पूरे हिंदुस्तान में कार्यरत है, उसमें 50% से ज्यादा महिलाएं हैं। तमाम लोगों को 18,000 प्रति माह का वेतन देना पड़ेगा और देश के तमाम कामगारों को रिटायरमेंट के बाद, 60 साल के उम्र के बाद 6,000 रुपए का मासिक पेंशन। हम बेचने नहीं देंगे, रेलवे को बेचने नहीं देंगे, रेल स्टेशन को हम बेचने नहीं देंगे, पोस्टल टेलीग्राफ को बेचने नहीं देंगे, अस्पतालों को नहीं बेचने देंगे, विश्वविद्यालयों को हम नहीं बेचने देंगे। इन सवालों को लेकर के मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल है और इस हड़ताल के सभी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों ने और फेडरेशनों ने मिल करके पूरे देश में 8-9 जनवरी का ऐतिहासिक 2 दिवसीय हड़ताल, आम हड़ताल का कॉल किया है। इस हड़ताल में गांव के मनरेगा मजदूर से लेकर, खेत मजदूर से लेकर, रसोईया आशा से लेकर के देश के खदान के जो मजदूर हैं, स्टील प्लांट के जो मजदूर हैं और बीएसएनएल के जो मजदूर हैं, बैंक के जो कर्मचारी हैं, पोस्टल के जो कर्मचारी हैं, संपूर्ण देश के सारे मजदूर एकताबद्ध होकर के मोदी सरकार की अंबानी अडानी परस्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। हमारा साफ कहना है कि श्रम कानून में संशोधन मालिक के